हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। आज हम चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स पढ़ेंगे। उसमें क्या है, पहले तो पता करते हैं कि ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन हम चैप्टर 2 में भी पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था जिसकी भी डिग्री अगर 1 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर उस इक्वेशन की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था मैंने ax plus b, बताया था ये। अब ये था ax plus b, मतलब a तो कांस्टेंट जो कि कोएफिशिएंट था x का, और b कांस्टेंट था, यहाँ पे डिग्री 1 थी और मैंने बताया था कि x टू द पावर 0 होता है, तो b द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी बताया था मैंने। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, a x टू द पावर 1 plus b, तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट है, तो ये तो नोन रहती है हमको, ठीक है, इसके बारे में हमें पता होता है। पता किसके बारे में नहीं होता है, x के बारे में हमें, क्लियर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, इसे बोलते हैं वेरिएबल। तो हमने अभी तक वन वेरिएबल पढ़ा था, ओके, वन वेरिएबल मतलब सिंपल x था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टू वेरिएबल्स, जो कि हमारे पास दो अननोन वैल्यू रहेगी। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे देखें कि a x क्या है, x क्या हुआ, x हो गया एक वेरिएबल, y क्या हो गया दूसरा वेरिएबल, तो हो गए हमारे पास टू वेरिएबल्स। तो यही है यहाँ पे टू वेरिएबल्स, क्लियर है। अब ये टू वेरिएबल्स हैं जो कि अननोन है, हमारे पास a तो गिवन रहेगा, a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट, a b c तीनों गिवन रहेगा, लेकिन x और y हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि ये हो गया, हमको पता चल गया टू वेरिएबल्स क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है। अब पेयर ऑफ बोल रहा है, मतलब इनका पेयर ऑफ, हम इधर से इधर शिफ्ट हो गए, अब इधर से आते हैं पेयर ऑफ में। पेयर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का दो, अगर मैं बोल रही हूँ पेयर ऑफ शूज, तो दो जूते होंगे हमारे पास तभी पेयर ऑफ शूज बोल पाऊंगी मैं, क्लियर है। वैसे ही पेयर ऑफ इक्वेशन बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा है, सॉरी दिस इज वाई नॉट एक्स, ओके दिस इज वाई। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा है तो दो लीनियर इक्वेशन होने चाहिए। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन कैसे है, ये x वेरिएबल जिसका पावर क्या है 1, ये y वेरिएबल जिसका पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर है इसमें y और x का, तो वो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। यहाँ पे भी पावर्स 1 है, ये a कोएफिशिएंट x। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये तो इक्वेशन एक्स वाई तो हमें निकालना है, इसलिए पेयर ले लिए, लेकिन a a कॉमन हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन वाइज, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यूज a1 b1 एंड c1, ये सेकेंड इक्वेशन है तो सेकेंड इक्वेशन के वैल्यूज हम क्या देंगे, a2 b2 एंड c2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्लियर है। ये पता चल गया हमें कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा, a1 होगा फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 होगा फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड c1 इज अ फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट, वैसे ही a2 b2 और c2 भी होगा, क्लियर है इतना। तो हमें पता चल गया कि मेन ये चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है, हमें इस पे वर्क करा के हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एज ऑफ मिनी एंड उमेश इज 58 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 4, राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एज ऑफ मिनी एंड उमेश, सो लेट एज ऑफ उमेश इज एक्स एंड एज ऑफ मिनी इज वाई, ओके। नाउ व्हाट इज सेइंग, सम ऑफ एज ऑफ मिनी एंड उमेश, मतलब एज मिनी का और उमेश का जो एज है उनका जो एडिशन है वो कितना दिया है, 58, तो उमेश का एज और मिनी का एज कितना दिया है हमें,
58 दिया है, ये लिख लिया हमने, ये बन गया हमारा एक इक्वेशन. दिस इज एक्स इज एज ऑफ उमेश और वाई इज एज ऑफ मिनी. क्लियर है? तो एक्स प्लस वाई हमको कितना मिल गया, 58 मिल गया. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एज. डिफरेंस मतलब माइनस करना है. अब उन दोनों के एज में को अगर हम माइनस करें तो हमको कितना मिल रहा है, इज 4. तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. क्लियर है? तो हम ऐसे राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स मिल गए हमको यहाँ पे. यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स हैं, ये एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हो गए, दो इक्वेशन हो गए, मतलब वो पेयर बन गया. क्लियर है? लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि ये 1-1 डिग्रीज है इसमें, ठीक है, एक्स और वाई में हर एक इक्वेशन में. अब देखते हैं हम a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 के बारे में हम इसी इक्वेशन में कैसे देखेंगे. क्लियर है? तो हमको क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 58 दिया हुआ है. एक्स प्लस वाई 58 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे, 1. वाई के आगे कुछ नहीं है, मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे, 1. क्यों? क्योंकि 1 से हम अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमको वही वैल्यू मिलती है. क्लियर है? तो अगर कुछ नहीं दिया तो हम 1 कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे ये ए की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1, बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -58. क्यों मिलेगी हमें -58, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. इधर 0 करना है, तो मुझे अगर मेरे को इक्वल टू 0 करना है तो इक्वल टू के इधर वाले सारे टर्म इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे. इसलिए हम क्या करें, एक्स प्लस वाई माइनस 58 इक्वल टू 0. हमने मॉडिफाई किया कौन से इक्वेशन को, इस इक्वेशन को. क्या मॉडिफाई किया है, इसके टर्म्स को इक्वल टू के इस तरफ ले आया और इक्वल टू करके हमने 0 लिख दिया. क्या लिख दिया, ऐसे एक्स प्लस वाई माइनस 58 इक्वल टू 0 लिख दिया. वैसे इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. ये इधर आके माइनस होता है, पता है ये हम सबको कि अगर प्लस में है तो इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस होता है, प्लस में है तो इक्वल टू के उधर आके माइनस होगा, माइनस में है तो चेंज होके क्या करेगा, प्लस. मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होता है, डिवाइड, और अगर डिविजन में है तो क्या होता है, चेंज होके मल्टीप्लीकेशन में. क्लियर है इतना अपने को? हमें ये इक्वेशन मिल गया है, ये और ये फर्स्ट वाले से, कि उमेश और मीनी का एज का सम 58 है और उनका डिफरेंस कितना है, 4. इसको मैंने मॉडिफाई करके लिखा था, एक्स प्लस वाई माइनस 58 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0. क्लियर है? तो अब यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे. हमको पता है कि x के आगे क्या लगता है, a1, y के आगे क्या लगता है, b1, फर्स्ट इक्वेशन के लिए. सेकेंड इक्वेशन के लिए x के आगे क्या लगता है, a2, y के आगे क्या लगता है, b2. तो वैसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए a2, b2, c2 निकलेगा. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा डेफिनेटली, तभी तो वो x है. क्लियर है? अगर हम किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू मिलता है हमको, इसलिए अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 कंसिडर करते हैं. तो हमको a1 कितना मिल गया, 1. उसी फर्स्ट इक्वेशन में b1 कितना मिलेगा, 1. यहाँ पे भी 1 होगा मल्टीप्लाइड में. क्लियर है? अब उसके बाद अगर मैं देख रही हूँ c1 के लिए, c1 कितना है, प्लस 58 लिखेंगे कि माइनस 58 लिखेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पे. यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 58. क्यों माइनस 58, क्योंकि हमारे इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में है उसमें क्या है, प्लस दिया हुआ है, और जो माइनस आया है यहाँ पे वो किसके कारण आया, कहीं ना कहीं c1 के कारण आया, इसलिए c1 की वैल्यू क्या आ गई, -8. क्लियर है? अब क्या होगा, a2 देखते हैं, a2 क्या दिया है, 1. b2 क्या होगा, -1 होगा. क्यों -1 होगा, ये माइनस जो है ये इधर वाले वैल्यू के कारण ही आया होगा, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, प्लस है. हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ax plus by plus c equals to 0 है. अब a तो 1 है तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है. अब b तो 1 हो जाता, ठीक है, लेकिन माइनस कहाँ से लाते, इसलिए हम b को कंसिडर करते हैं, कितना, -1. और c2 c के जैसा ही है, c1 के जैसे ही, -4. तो हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 भी निकालना आ गया है. अब अगर हम इक्वेशन की बात करें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है,
तो डेफिनेशन क्या हुआ, हमने पढ़ लिया ax plus by plus c equals to 0 होता है, हमने ये भी पढ़ लिया कि a b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y है रेस्पेक्टिवली, हमने ये भी पढ़ लिया c इज अ कांस्टेंट, क्लियर है। लेकिन इन टू वेरिएबल्स करने के लिए एक और चीज जो जाननी जरूरी है वो क्या है, a एंड b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाई इज इट सो, क्यों ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए a और b, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल्स पढ़ना है, टू वेरिएबल्स मतलब हमें x और y तो मिलना ही चाहिए, ओके? अगर हम a को 0 रख दें, सपोज a को अगर हम 0 रखते हैं तो ये a into x है, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या by plus c equals to 0। वेरिएबल कितना बच गया हमारे पास, सिर्फ एक वेरिएबल बच गया जो कि क्या है, y है, लेकिन हमको कितने वेरिएबल चाहिए, 2, इसलिए हम a को 0 नहीं रख सकते। इन द सेम मैनर अगर मैं b को 0 रखती तो ये टर्म 0 हो जाता, बच कितना जाता हमारे पास, ax plus c equals to 0, अभी भी सिंगल वेरिएबल बचता, इसलिए हम a और b को 0 नहीं रख सकते। अगर मैं दोनों को 0 रखने का देखो तो 0 plus 0 plus c equals to 0, कोई वेरिएबल ही नहीं बचा हमारे पास, सिर्फ c बचा जो कि क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्लियर है। इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि a b एंड c जो क्या है वो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स रहेंगे, और a एंड b नॉट शुड बी इक्वल्स टू बी 0, क्लियर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमको ये पता करना है कि हम x और y, x एंड y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके? तो अब हम इस ग्राफ के को प्लॉट करके हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं कैसे। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, अब हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले प्लॉट करते हैं। अगर मैं y की x की वैल्यू 0 ले लूं, x की वैल्यू 0 ले ली मैंने, ये 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x plus 0 equals to 3, तो x equals to 3 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या है, अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए रख लेती हूँ, प्लॉट्स ले रहे हैं हम अभी, x plus 2y equals to 4। अगर मैं x y की वैल्यू 0 रखूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, equals to x plus 0 equals to 4, तो x equals to कितना आ जाएगा, 4, x आ गया 4। अब अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूं, y की वैल्यू 1 रख दिए, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, x plus 2y equals to 4 है, y की वैल्यू मैंने 1 रख दिया, x plus 2 into 1 equals to 4, x plus 2 equals to 4, x equals to 4 minus 2, that is equals to 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, अब तो पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं। पहला वाला है 0, मतलब x में 0 और y में 3, तो पहला पॉइंट ये मिल गया। दूसरा है 3, 0, x में 3 एंड y में 0, क्लियर है। तो ये एक पॉइंट मिला, तो हम एक लाइन अब इसमें ड्रॉ कर लिए, ये हमको लाइन मिल गई, ओके? अब सेकेंड वाले के लिए हम ब्लू लाइन ले लेते हैं, ब्लू कलर, ठीक है। 4 और 0, 4 मतलब x में 4, दिस इज x में 4, ओके? x में 4 हो गया, और अब x 2 है और y कितना है, 1 है, यहीं पे आएगा 1, x 2 और y 1 इधर आ गया। अब इनको हम ज्वाइन अगर कर लें, तो इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये लाइन ज्वाइन हो गई। अब हमको एक पॉइंट मिला यहाँ पे जो दोनों लाइंस को कट कर रहा है, ये पॉइंट में जो भी वैल्यू x और y की होगी वो हमारी वैल्यू होगी। सपोज मैं इसको प्लॉट करूं, इसमें पॉइंट्स कितने हैं, 3 है, मतलब यहाँ पे 2, तो फिर यहाँ पे मेरे को 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर मैं 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो कितना होगा, 25% होगा, मतलब ये कितना होगा, 2.25 होगा इधर, फिर 50, फिर 75, फिर इतना, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2.25, ओके? और अगर मैं इधर जाऊँ तो ये कितना है, 0.1 ले लो, या फिर तो x कितना आया, 2.25 और ये अप्रॉक्स 1, क्लियर है। तो ऐसे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 2.25
और y की वैल्यू मिल गई 1. वैसे तो पॉइंट्स में आपको आंसर्स नहीं देगा, वो प्लॉट सीधे से हो जाएगा प्रॉपर. अब यहाँ पे हमें ये ग्राफ तो मिल गया, हमने प्लॉट कर लिया था. ग्राफ मिला तो हमें एक पॉइंट मिल गया जिससे हम x और y की वैल्यू निकाल लिए. ठीक है, ऐसे ही एक्सरसाइज 3.1 में हमें पूरा करना है. ओके, लेकिन अब हम लाइंस के बारे में कुछ समझ लेते हैं. इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि एक दूसरे को काटती है और किसी एक पॉइंट पे ही मिलती है. इसके पास सिर्फ सिंगल पॉइंट होता है, वन पॉइंट, और वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हो. ओके, आपको आगे पता चलेगा 3.2 में कि वन सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं. अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा ये. ठीक है, ये क्या है? पैरेलल लाइन, विच नेवर मीट्स, कभी नहीं मिलेगी. ये मिलती है एक बार, सिर्फ एक बार, ये कभी नहीं मिलेगी. इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस. ओके, और ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइन. एक लाइन के ऊपर एक और लाइन ऐसे ही है कि उसके सारे पॉइंट्स. अब एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉइंट्स के पॉइंट्स. तो इसका आंसर आता है इनफिनाइट सॉल्यूशन आता है, और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन. ओके, इसे क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन. तो ये होगा हमारे थ्री लाइंस. इसके बारे में और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन 3.2. स्टूडेंट, सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज, अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.